आज हम लोग क्वेश्चन इन स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। सी अगर मेरे को देखिए, ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर अ कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल इज रिलेटेड टू टाइम एज द इक्वेशन गिवन। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम। यानी एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल मान लीजिए, वो एक कांस्टेंट फोर्स के अंडर, एक कांस्टेंट फोर्स यानी एक नियत बल के अधीन एक धीमी गति कर रहा है, ठीक है। और हमको क्या करना है, अगर उसकी दूरी समय के साथ इस संबंध से बदल रही हो तो उसका जो वेलोसिटी है, उसका वेग पर्टिकुलर टाइम पे कैसे निकलेगा, उसकी वेलोसिटी कैसे टाइम पे डिपेंड कर रही होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। जैसे देखिए डिस्टेंस जो है वो टाइम पे इस तरीके डिपेंड कर रही है, यहाँ अलग अलग टाइम रखोगे तो अलग अलग टाइम पे आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। उस तरीके वो पूछना चाहता है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो अलग अलग टाइम पे कैसे डिपेंड कर रही होगी, और यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो कॉन्स्टेंट है, यानी अंडर कॉन्स्टेंट फोर्स ये डिपेंड अंडर आ कॉन्स्टेंट। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो अगर आपको याद हो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था वो होता था लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, याद होगा। इसी को हम लोगों ने लिखा था टी एक्स बोलिए, यदि हमें बस इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है तो बस डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अगर वेलोसिटी निकालिए तो डी बाई डी टी और देखिए एक्स एक्स की वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस। अभी आपको याद होगा ये कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। पहले इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर 9 डिग्री कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे क्योंकि पर्टिकुलर टाइम की वो बात कर रहा है, तात्क्षणिक वेग निकालते हैं क्योंकि वो विशेष टाइम पे कितनी वेलोसिटी होगी ये पूछ रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी तात्क्षणिक वेग का ये फॉर्मूला था लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसी को हम लोग लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी। यानी हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी बाई डी टी एक्स की वैल्यू जो थी वो रखी, पहले इसका डी बाई डी टी, इसका डी बाई डी टी, इसका डी बाई। ये फॉर्मूला आपको पढ़ा होगा कि पावर अलग होगा अगर पावर आगे आ जाती है पावर में कम हो जाता है तो ये उल्टी हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बाहर हो जाता है और टी की पावर वन माइनस वन, इसका वन हो जाएगा आपको याद है, वन माइनस वन यानी जीरो पावर वन, और कॉन्स्टेंट का जीरो होता है उसको लिख के चाहे ना लिखे। ये आ गई आपकी फिलोसफी की, आगे होगी बात समझ। इसे कुछ नहीं करना था, जो एक्स और टी रिलेशन था फिर हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी पर्टिकुलर टाइम के लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी विशेष क्षण पर हमको वेग निकालना था, तात्क्षणिक वेग को थे जिससे उसका फॉर्मूला ये था लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसे हम लोग बोलते हैं डी एक्स बाई डी टी। तो v इक्वल टू डी बाई डी टी एक्स की वैल्यू पर डी, पहले टी स्क्वायर का होगा फिर 60 का फिर 9 का, टी स्क्वायर का पावर आगे आ गई पावर वेग कम हो गया तो 2 की, फिर 6 कॉन्स्टेंट होने के बाद टी का 1 हो गया और 9 का 0। इस तरीके में जो है वेलोसिटी टाइम रिलेशन फाइंड आउट, होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्या है। A car travels first half distance with a velocity of 20 km per hour and the remaining half distance with 60 km per hour and we have to find out average speed. Okay? यानी कार है जो अपनी आधी दूरी 20 किलोमीटर पर आवर से चलती और बची हुई आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर से चलती, तो आपको बताना उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो मान ले अगर हम लोग कि टोटल जो उसको डिस्टेंस जाना है, टोटल जो उसको डिस्टेंस जाना है वो हमने मान लिया
qx, ठीक है, टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी हमने मान ली x है। तो अगर वहां से पूछे पहली आधी दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, तो हम उसको t1 मान लेंगे। तो जो पहली हाफ डिस्टेंस है, पहली आधी जो डिस्टेंस है, उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम तो वहां होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आधी डिस्टेंस टोटल x की, तो आधी हो गई x by t, ये हो गई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हो गई टू, आ जाएगा x अपॉन 4t r, ठीक है। अब ऐसे बची हुई आगे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस आधी डिस्टेंस है तो x by 2 अपॉन स्पीड 60, ये हो जाएगा x अपॉन 120 r। अब देखिए हमें टाइम भी पता चल गया, डिस्टेंस भी पता चल गया, तो इवनिंग स्पीड का फॉर्मूला हम लगा देंगे, इवनिंग स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम हो जाएगा x अपॉन 2t प्लस x अपॉन 1t। अब इसको ऐसे वे करके हम लोग सॉल्व करेंगे, इवनिंग स्पीड की वैल्यू देखिए कैसे, टोटल डिस्टेंस x की होगी अपॉन आया था x अपॉन 2t प्लस x अपॉन 1t, ठीक है, सॉल्व करते हैं, कैंसिल हो जाएगा 120 हो जाएगा 3x हो जाएगा x, x इंटू 120 अपॉन 4x किलोमीटर पर आर, इस तरीके हम लोग जो है इतना जो है एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस रखती अपॉन टोटल टाइम आपको सीधे। अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, इसने ग्राफ बना के दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपको याद हो ये ग्राफ जो है वो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम लोग एरिया निकालें, वही तो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर हमको पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, बोलिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, अब ये ट्रेपेजियम शेप का है, समलंब है, समलंब का आपको याद होगा ये क्या होता था, समांतर भुजाओं का यानी पैरेलल साइड्स का समलंब, पैरेलल साइड ये है और ये है, ये वाली साइड अगर हम आप समझे तो ये कितनी हो जाएगी, फोर से एट हो जाएगी, ये फोर हो जाएगी, देखिए और यहां से यहां तक ये वाली कितनी हो जाएगी, एट हो जाएगी। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स फोर प्लस, कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, फिर डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन और ये कितनी होगी 20। अब इसको सॉल्व करते हैं, n टाइम्स है 8 फोर 12 हुआ, 12 का 10 से मल्टीप्लाई हो गया, आएगा 120, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ग्राफ हमको दिया गया था वेलोसिटी और टाइम के बीच का, वेग और समय के बीच का, हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने पढ़ा था वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ये वाला जो टाइम एक्सिस के साथ में कवर कर रहा होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कुल विस्थापन। तो ये देखा हमने समलंब है, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम क्या होता है पैरेलल साइड्स का सम, समांतर भुजाओं का योग, ये आधी भुजा और ये आधी भुजा समांतर है, तो इसको देखेंगे तो ये 4 हो जाएगी, वही 2 और यहां से यहां तक वाली ये 8 हो जाएगी, फिर उनके बीच की डिस्टेंस ये 3 होगी तो ये 20 हो जाएगी। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 4 प्लस 8 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी 20, इसे सॉल्व कर देंगे तो 4 8 का जो 10 करेंगे तो 120 मीटर आ गया। इस तरीके हम अपने डिस्टेंस जो है वो फाइंड। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन दो, पहले हमें ए से बी वाला निकालना पड़ेगा फिर बी से सी वाला निकालना पड़ेगा। तो पहले हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं ए टू बी वाला, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना। तो आपको याद होगा एक्सेलरेशन का मामला था वी माइनस यू अपॉन वी यानी बार वाली वेलोसिटी, वी हो गई 20, स्ट्रेट लाइन की है
ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, बाद में वेलोसिटी की 20, पहले वाले वेलोसिटी 0, और ये वेलोसिटी चेंज होने में टाइम कितना लगा है, 4, ये 4, 4 से ये जाएगा 20/4, यानी आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अभी हम लोग बात करते हैं बी से सी वाले पार्ट। अगर हम लोग बी से सी वाले पार्ट की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी भी 20 है, पहले वाले वेलोसिटी भी 20, तो 20 माइनस 20। बी से सी की बात करें तो बी का जो वेलोसिटी वो यू का काम करेगी वो भी 20, और यहाँ पे जो होगी वो बी का काम करेगी वो भी 20 होगी, तो वी माइनस की यानी 20 माइनस 20 अपॉन इस सारे में टाइम कितना लगा था, ये तो 0 आ जाएगा। और 0 आना ही था, क्यों 0 आना था, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि वेग में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, 20 पहले भी था अभी भी 20, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, हेंस एक्सीलरेशन इस तरीके हम लोग वेट मेटल्स सॉल्व किए। वो बात अच्छे से समझ आ गई कि न्यूमेरिकल्स। थैंक यू दोस्तों।